भगवान कहते हैं धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद जो मुझे एकदम भूल जाते हैं और मुझे उन पर कृपा करनी है, मैं उनको अपना समझता हूं, तो फिर मैं क्या करता हूं, पहले उनकी संपत्ति को नष्ट करना प्रारंभ करता हूं। तम भ्रंसयामी संपद भ्यो, वो संपत्ति नष्ट करने से क्या होगा? बोले व्यक्ति संपत्ति के धन के मद में ही तो मुझे भूलता है, और जब धन में हानि होने लगती है तो वो डरने लगता है, घबराने लगता है, अरे ये हो गया वो हो गया, अब मैं क्या करूं क्या जाऊं, तो संतों की शरण में जाता है। महाराज बड़े घाटे में चल रहे हैं, आजकल बड़ी समस्या पैदा हो रही, क्या करें? महात्मा कहते हैं अनुष्ठान कराओ, भोले बाबा का अभिषेक कराओ, फलाना पूरा शरण कराओ। तो ये न के न प्रकार ने वो फिर भयभीत होकर भगवान को याद करने लगता है, क्योंकि कदाचित कोई भी उसके जीवन में क्लेश ना हो, हानि ना हो, तो वो फिर धन का मद उसके भीतर बढ़ता चला जाता है, वो भगवान को भी भुला करके एकदम मदमस्त हो जाता है। तो भगवान कहते बीच बीच में ये झटके दे दे करके मैं उसको अपना याद दिला स्मरण दिलाता रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कृपा करेंगे तो सब धन ही हरण कर लेंगे, पर कहा तो भगवान ने कई जगह यश्याह मन गृहणामी हरिष्ये तद धनम सनई, उत्तरार्ध में कहा भगवान ने दसवें स्कंद में, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन हरण करना चालू करता हूं, पर एकदम सारा धन नहीं चुराता, सनई धीरे 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 घाटे पर घाटा करता हूं, एकदम पूरा धन एक साथ क्यों नहीं चुराते? बोले एकदम सब कुछ हरण कर लूंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर वो किसी मतलब का ही नहीं रह जाएगा, मुझे उसे मारना थोड़ी है, मुझे तो अपनाना है, अपना भजन अपना स्मरण दिलाना है, इसलिए हरिष्ये तद धनम सनई, मैं उसका धन हरण करता हूं पर एकदम नहीं, सनई सनई धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जब धर्म जब उसके धन की हानि होती है ना, तभी वो धर्म का आश्रय लेके भगवत आश्रय ले संतों के पास, संतों के माध्यम से मेरा आश्रय ग्रहण करता है, जहां मेरा स्मरण करने लगता है तो फिर जहां की ता कर देता हूं, और वो फिर भी मुझे नहीं याद करता तो फिर उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूं, जब सर्वस्व हरण करने कर लेता हूं तो अपने आप ही बाबा बन जाता है, फिर अपने आप ही भजन करेगा, भजन के अलावा कुछ रह ही नहीं जाएगा फिर उसके पास। परंतु ये जबरदस्ती अपना भजन कराना मैं उन्हीं से चाहता हूं जिनको मैं अपना मानता हूं, ये बात बहुत बारीक से समझने की है। भाई 50 बच्चे उत्पात मचा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, आप देखोगे तो अनदेखा करके निकल जाओगे, मूर्ख लोग हैं, मरने दो, अपन को क्या लेना था, अपन यहां से किसको। पर उन्हीं बच्चों में यदि आपको कोई अपना बच्चा नजर आता है तो आप उसे नहीं छोड़ोगे, वहां पर पकड़ोगे और दो थप्पड़ भी मारोगे, नालायक तू भी उद्दंड हो गया, मारोगे, भाई इतने उत्पात मचा रहे थे आपने, उन सबको तो मारा नहीं, उसी को क्यों मारा, क्योंकि सबसे हमें मतलब नहीं, ये हमारा है, ये हमारा है, इसलिए मारने का हमारा अधिकार है, भाई जो प्यार करता है वही ताड़ना देने का भी अधिकार रखता है, बिना प्यार के मारोगे तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए भगवान कहते हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं, जिनको अपना समझता हूं, उनको अपनत्व प्रदान करने के लिए, अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए मुझे उन्हीं के साथ ये व्यवहार करना पड़ता है, नहीं तो ये संसार है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, मुझे किससे क्या मतलब, जैसा करो वैसा भरो, ये गोविंद का कानून है। पर जिनको अपनाना चाहते हैं उनके साथ तो जबरदस्ती भगवान उन्हें खींचते हैं अपनी ओर, जो जैसे खींच जाए। यस्याह मनु गृहणामी हरिष्ये तद् धनं सनैः ततो धनं त्यजन्तस्य स्वजनो दुःख दुःखितम्। भगवान कहते हैं धन की हानि पर भी यदि वो मेरे पास नहीं आया और सगे संबंधियों की शरण में चला गया, क्योंकि प्राय ऐसा होता है जब कोई घाटा होता है ना तो लोग भगवान को फिर भी याद नहीं करते, संबंधियों को याद करते हैं, हमारे फलाने भैया जी बहुत धनवान भी हैं और बलवान भी हैं, इस आपत्ति में वो हमारी सहायता जरूर करेंगे, तो सगे संबंधियों की शरण में जब जाता है तो भगवान कहते हैं स्वजनो दुख दुखितम, उसके जितने हितैषी प्यारे होते हैं मैं उनसे भी उसको प्रताड़ित करवाता हूं,
वो भी सब हाथ खड़ा कर देते हैं, अरे साहब आप आपसे ज्यादा हमारे यहाँ समस्या चल रही है आजकल। भैया तुम्हारे पास तो फिर भी गनीमत है, हमको तो जहर खाने के लिए रुपया नहीं। ऐसी ऐसी बातें लोग करने लगते हैं और उसका कोई भी सहायक संसार में नहीं रह जाता, तब उसे संसार का असली स्वरूप समझ में भी आ जाता है कि जिनको मैं इतना अपना समझता था, जिन पर मैं इतना विश्वास करता था, थोड़े से झटके में उन्होंने सबने मेरे से संबंध तोड़ दिया। तो समझ जाता है कि संसार में कौन कितना हमारा हितैषी है। इसलिए कहते हैं ना, रहिमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए। थोड़े से दिन के लिए यदि विपत्ति आवे तो बहुत बड़ी होती है, अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है भाई? रहमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोए। कौन कितना तुम्हारा हितैषी है ये कब समझ में आएगा? जब आप पर विपत्ति आएगी, जब सुख समृद्धि है तब तो सभी हितैषी हैं आपको। भैया जी कोई सेवा हो तो हमें बताइएगा, सब आपकी सेवा में तत्पर हैं। पर विपत्ति में कोई तुम्हारे सामने कितना डटता है, कितना जमता है, वो आपका पक्का हितैषी है, समझ में तो आवे। परंतु जब विपत्ति ही आपके जीवन में कभी नहीं आई तो आप तो सभी को अपना हितैषी ही समझेंगे कि भाई उन्होंने हमसे कहा था कोई जरूरत पड़े तो हमें बताना, हमारे इतने प्रेमी लोग हैं। पर संसारियों का जो प्रेम है वो तो बालू की दीवाल है। एक तो होता है पानी में लकीर खींचो, बन तो जाएगी, फटाफट बनेगी और फटाफट मिटेगी, इधर बनती जाए उधर मिटती जाए, पानी की लकीर कितने दिन, कितना समय चलेगी? पर हाँ, बालू में या लकीर खींच दी जाए तो वो थोड़ा चलती तो है, कब तक? जब तक तूफान नहीं आया, जोड़ की हवा चली सारी लकीर उड़ गई। पर सज्जनों की जो प्रीति है ना, वो पत्थर की लकीर की तरह होती है। पत्थर पर लकीर जल्दी नहीं बनेगी, खोदना पड़ेगा, टांका मारना चल पड़ेगा, परंतु एक बार बन गई तो फिर मिटने वाली भी कभी नहीं। तो दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर, संसारी स्वार्थी प्राणियों की जो प्रीति है वो बालू की लकीर, और सत्पुरुषों की प्रीति पत्थर की लकीर होती है। जल्दी से तो प्रेम करते नहीं, और जिससे करते हैं उसे जीवन भर निभाने का प्रयास करते हैं, ये सत्पुरुषों की प्रीति है। तो इसलिए संसार की प्रीति प्रायः बालू की लकीर है। जब तक आपके जीवन में कोई तूफान नहीं उठा तब तक तो सब आपसे प्रेम करेंगे, तूफान आने पर तो कोई बिरला ही आपको अपने पास खड़ा नजर आएगा। तो सज्जन ही पत्थर की लकीर की तरह डटे रहते हैं, जमे रहते हैं विपत्ति में भी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। आपत्ति में ही तो इनकी परख होती है कि कौन हमारा मित्र है। तो भगवान कहते हैं भाई संसारी मुझे भुलाकर संसार से प्रेम करता है, इसलिए कभी कभी विपत्ति का झंझावात भी मैं उसे देता हूं ताकि वो संसार को ठीक से समझ सके कि मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी हूं, मुझे तुम भुला करके उन स्वार्थी संसार के प्रेमियों में फंसे हुए हो। तो उन जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए मुझे थोड़ा विपत्ति के ये बादल भेजने पड़ते हैं। विपत्ति का बादल जब बरसता है तो कोई बिरला ही छत्र बन करके आपको बचाता है, बाकी तो सब भागते हैं।